तो भाई अर्धकुंवारी रह गया 2 किलोमीटर। हमारे साथ है मिस्टर सागर काजन व्लॉग से, हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं प्योर, फिर उन्होंने कहा वापस आना पड़ेगा। सारे बाद में क्लियर होते हैं। और ऐसे भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी देखो मिल रही है। गाइस इस ट्रैक पे हमारा पड़ा ये पहला मैकडोनल्ड। भाई साहब नज़ारा देखो, जिसका नाम है मिस्टीरियस मोटो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मैं रहता हूँ लापता इन द सेंस मिस्टीरियस मेरा चैनल है, उसी तरह मैं मिस्ट्री मैन बना पड़ा हूँ। यहाँ से गायब हो रही है, मेरे साथ आपके नजर आ रहे हैं हमारे सागर काजन व्लॉग्स भाई, सागर भाई। और ये पीछे हमारी खड़ी है गाड़ी। इस टाइम मैं आपको बता दूँ हम हैं पंजाब में, कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं, लेकिन PB26 ढाबा है। तो आई होप कोड नंबर 26 के किसी एरिया में हम होंगे। और इस टाइम रात के बज रहे हैं 9:45 बजे। हम निकले थे अपने घर से, सडन प्लान था ये, इसमें मैं इंक्लूड नहीं था, इन सब लोगों का प्लान था, लेकिन अचानक इसको उठा के ले आए हैं। जिसको कहते हैं ना बुलावा आना होता है, ये वही है बुलावा, अचानक बुलावा से शाम को पूछा और एकदम से बस उठ के चल दिए। तो इस टाइम अब हम थोड़ा नाश्ते वास्ते के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके हैं ढाबे पे, और फिर देखते हैं अंदर क्या इंतजाम करवाया है। भाई लोग अंदर हैं हमारे, प्रेम भाई भी हैं। दी PSB व्लॉग्स मस्ट, यू मस्ट सब्सक्राइब दैट चैनल आल्सो। तो भाई लोग पराठे चाय वगैरह खा लिए, और देखो 4 स्टिंग लिए हैं, जाके सब बैठ गए गाड़ी में, और मेरे हाथ में थमा दी स्टिंग। और इतनी जबरदस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे, वो देखो झंडा कैसे उड़ रहा है, इतनी जबरदस्त चिल्ड हवा है, ऐसे लग रहा है फुल सर्दी आ गई यहाँ। तो भाई अब चले, अब गाड़ी चलानी है बड़ी हमारी। तो भाई जब से हम चले हैं वो PB26 वाले ढाबे से, और हम तकरीबन आ गए हैं यहाँ 70-80 किलोमीटर तब से, 1.5 घंटे में। और बड़ी दूर से, बड़ी देर से हम देख रहे थे कि क्या खतरनाक बिजली चमक रही थी, और ऐसी प्रेडिक्शन भी है कि हमको भवन पे ऊपर बारिश मिलेगी, और बारिश तो अभी हमें जलंधर में ही मिल गई है, और बड़ी तावड़ तोड़ बारिश हो रही है। बाकी पता नहीं क्या होगा यार, ठंड का इंतजाम तो करके आए थे, बारिश का इंतजाम करके हम नहीं आए हैं, बाकी आगे टाइम बताएगा, देखो क्या होता है, भगवान करे बंद हो जाए। तो भाई जम्मू पहुंचने वाले हैं, 52 किलोमीटर ओनली लेफ्ट, कटरा पहुंचने वाले हैं, माय बैड। और दिन निकल रहा है, कुछ नज़ारा ऐसा है दिख नहीं रहा है फोन में अभी। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं कटरा, पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट रह गया 24 किलोमीटर्स। और आमतौर पे ये गाड़ी चलती है, हमने जो एवरेज इसकी लगाई है एक टैंक में चलती है अप्रॉक्स 450-450 किलोमीटर, लेकिन अभी का इसका जो पर्सनल बेस्ट रहा है 596.2 किलोमीटर। और बस ये रेड जोन में चल रही थी, अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। हाँ जी सागर बोले, मिस्टर सागर का अध्ययन ब्लॉग्स, ये देखो भाई ब्लॉगर्स ही ब्लॉगर्स है एवरीवेयर। एक टैंक में कितना निकाला बता है? एक टैंक में 600 प्लस ना? 600 हो गया, 600 प्लस ही हो गया। हाँ, प्लस ही समझ लो 4 किलोमीटर। तो हम ये कहना चाहेंगे, देखो जैसा कि आप जानते हैं सागर भाई और हमारे प्रेम भाई, ये दोनों भी ब्लॉग करते हैं, लेकिन इन दोनों ने ब्लॉग करते करते ये लगा लो कि इन दोनों का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है, मैं लगा पड़ा हूँ इनसे पहले से और कुछ नहीं हुआ। अब ये देखो फ्यूलिंग हो रही है, देखते हैं अब कितने का पेट्रोल आता है, देखते हैं। चलो सागर भाई का भी हाल ही में मोनेटाइज हो गया है, T2 का भी मोनेटाइज हो गया था। 399 आ गया भाई, 4000 का आ गया पूरा। गुड गुड, ये वापस फ्यूल आ गया फुल पे, बत्ती हो गई बंद, और अर्ली मॉर्निंग हो गई है जी। स्टॉप फॉर चेकिंग J&K पुलिस हेडक्वार्टर और सर्विस, टोल प्लाजा है। चला दिए कॉपीराइट, चला दिए, लगा दिए कॉपीराइट। तो
तो भाई साहब कटरा चौराहे पर हम पहुंच चुके हैं, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर वहां पर होगा। भाई साहब पहला नवरात्र है, कटरा एंटर करते वक्त है म्युनिसिपल कमेटी कटरा 115 रुपए की पर्ची कट रही है जो कि अनिवार्य है कटवानी, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं जी, आईडी कार्ड दे दो हमें। पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई और कार्ड वगैरह का पता कराया, जो कि जो आईडी कार्ड हम रजिस्ट्रेशन का लेते 6 घंटे तक वैलिड होता है। और इसके साथ हमें सागर भाई ने एक नई चीज बताई, बहुत दूर से गाड़ी अनलॉक करनी थी, नहीं हो रही थी, यहाँ लगा के मुंह खोला थी, दूर से अनलॉक हो गई। व्हाट इज दिस? क्या बात कर रहे गाइस, ये टेक्निक है। ये कैसी टेक्निक है? यहाँ से एक रेंज फेंक रहा है इतनी दूर को, कभी ट्राई करना इसको क्या? मस्त ठंडा हो रही है यहाँ पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जी फाइनली होटल मिल गया है। ये है हमारा होटल, आई लव कटरा होटल इम्पीरियल। और हाँ, ये पहले जरूरी है, और ये बाहर से दिखता है कुछ ऐसा। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये मेन रोड है। जब मैं लास्ट ईयर आया था तो यहीं पे कहीं होटल टुडे भी था अंदर। तो यह है होटल, अच्छा लग रहा है। सागर भाई वगैरह ने रूम देख लिए हैं, हम भी चल के देखेंगे एक बारी। गाड़ी लॉक कर दी है और अरे यार गाड़ी साइड कर। भाई भैया ने गाड़ी की लोकेशन चेंज करा दी है इधर, क्योंकि ये वैन है आई थिंक पिक एंड ड्रॉप वाली यात्रा के, जहाँ से चढ़ाई शुरू है वहाँ में शायद छोड़ के लेने आने वाली, ऐसी सर्विसें मिलती हैं। तो अब हम चलेंगे अंदर, बढ़िया लग रहा है यार होटल तो मेरे को यहीं से। देखो ब्लॉगर्स 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 एवरीवेयर, जय माता दी। तो जी पहली बारी एक्चुअली मैं आ रहा हूँ वैष्णो देवी, थर्ड टाइम। पहली बारी आया था मैं बस से 2015 में, उसके बाद आया था मैं ट्रेन से, और अब आ रहा हूँ मैं गाड़ी से फर्स्ट टाइम। हाँ पहली बारी गाड़ी से आया हूँ। कहाँ से आया? और ब्लॉग तो फर्स्ट टाइम ही मैं बना रहा हूँ। हाँ माता वैष्णो देवी का तो यार फर्स्ट ब्लॉग है हमारा ही माता वैष्णो देवी का, तो इसमें पूरा प्यार दिखाना आप लोग अपना, मेरे फुल सपोर्ट करना। मेरे पोर्टफोलियो में माता वैष्णो देवी का ब्लॉग भी ऐड हो जाएगा। चलो लो फटाफट लो फोटो लो, ले लो ले लो सेलिब्रिटी आगे सेलिब्रिटी ले लो ले लो। देखो हाथ देखना, आगे है रूम, थर्ड फ्लोर पे है। वाईफाई का पासवर्ड जो पासवर्ड बता दो। नहीं जी व्लॉग में मत दिखाना, कोई भी आके डाल देगा। कमरा बुक जो करेगा उसी को मिलेगा। होटल तो यार अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी तो बढ़िया लग रही है। ये तो सुरंग है भाई, जा गया हमारा रूम नंबर 314। क्या कर रहे हो भाई? बोल भाई, आग लग जाती है तो फटाफट। एक्सपायरी भी तो बहुत दूर है, 28/7/24 भाई, खुल भी नहीं रहा। ऐसा कौन करता है? तो भाई एक चाबी से रूम खुल नहीं रहा था। ये ओ वाओ, काफी स्पेस है यार, स्पेशियस है बाथरूम भी। और ये हमारा रूम है, 3 बेड है, एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, और मैं अपना चार्ज लाया हूँ, टीवी वगैरह सब कुछ लग रहा है। ओ तेरी बहन की लगी ओए, ऐसे बोलता वो। ये सोफे, इसमें क्या है पता नहीं। रूम मिल गया ना, थोड़ा रूम टूर कर रहे हैं। एसी रूम है, कितने में रूम पड़ा है मैं रूम के बताए? मात्र 1500 रुपए इंक्लूडिंग GST, और वो टैक्सी भी हमें छोड़ के आएगी वहां तक। हाँ बिल्कुल, टैक्सी भी छोड़ के आएगी। वाओ बहुत बेहतरीन है, बेस्ट इन बजट। ये टाइम 8 बज रही है, घड़ी गलत बता रही है, सैलरी की पड़ी है। इस टाइम पे टाइम हो रहा है 8:06 हो रहे हैं, 11 बजे गलत है वो। भाई रूम टूर करा, स्नैप बनाने तक तो ओके था, नींद से उड़ गई थी, लेकिन अब बिस्तर पे लेटे हैं रील देखते देखते अब आने लगी है वापस से झपकी। उस टाइम रूम देख रहे थे तब भी गाड़ी में झपकी दे रहा था। और अभी खाने को कुछ ऑर्डर करा है सैंडविच के साथ, अभी पता नहीं कुछ है, देखते हैं आते हैं क्या है कैसा है। भूख लग रही थी क्योंकि आएंगे और उसके बाद चैन से सो जाएंगे। खाने दो, खाना आ रहा होगा अभी। बहुत सारे सैंडविच आए थे भाई ट्रे भर के, टूट के पड़े सब खा गए। भूख लग रही है भाई बहुत।
देखो भाई व्लॉगिंग चालू हो गई है, मैं लाउडली बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी व्लॉगिंग चल रही है। नो यू आर नॉट न्यूड राइट नाउ, दैट्स नॉट इलीगल टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। नो, लोग वहाँ वाटर पार्क की वीडियोस भी डालते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो भाई वो 3 घंटे ही नींद ले पाया, 10 बजे सो के, 1 बजे आँख खुल गई है। और देखो इन लोगों ने खाने को मंगाया कि भूख लग रही थी मेरे को भी, खाने को क्या क्या मंगा लिया भाई, वेज पुलाव और बिरयानी। वेज बिरयानी है, सुन रहे हो, सुनते जाओ बस। मिक्स वेज, ये थाली मंगवाई है। कौन सी थाली है? कितने बज रहे हैं गाइस? शाही थाली है, 2:15। भाई खाना पीना तो एकदम हो गया डन, 2 बड़ी जोर दोर सो रही है बाहर जोर की। और ये सागर भाई को गुस्से हो गया, 1 घंटा अभी तक पता नहीं क्या ही चल रहा है अंदर, धूप इतनी तेज है भारी, इसलिए अभी जाने का मन नहीं कर रहा है। देखो हमारा रूम नंबर, और बस फटाफट नहाए धोए मतलब फ्रेश हुए, और फिर देखते हैं किस टाइम चढ़ाई शुरू करनी है। उधर गोप्रो चार्ज हो रहा है तो खांसी भी नहीं बंद हो रही मेरी। टाइम टू फाड़ी दिस वन, जिम में डाल लो भाई। गायब हो गया, बताना मत किसी को। तो जय माता दी भाइयों, नहा धो के हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल ऑल फ्रेश, और सेटअप अपना जो बेकार का सामान है सब यहीं रख दिया। अपने बैकपैक्स लेकर जा रहे हैं जो कि अरे मतलब कि जो यूजफुल नहीं है, ऊपर यूजफुल नहीं है, हाँ एक्स्ट्रा सामान हम नहा धो के जितने मतलब रेडी हो गए, जितना यूजफुल मतलब जितने जरूरत थी उतना सामान खाली कैरी करके हम लेके जा रहे हैं। नहा धो के यहीं से निकल रहे हैं, ऊपर जाके नहाने के चांसेस है नहीं, वैसे 0% है, बाकी फिर भी इन केस अगर वह बनेगा ही नहीं कैंसिल है। तो हल्का सा बैग है, इसमें कुछ भी नहीं रखा मैंने, मजे बस ऐसे लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि हाँ वजन लेके चढ़ रहे हैं हम, बाकी ऊपर से प्रसाद इसमें रख के लाएंगे। ओ भूल गया भाई, ये देखो अभी हो जाता सीन, बाकी कैप मैं लाया नहीं होगा, ठंड लगी तो गमछा रखा है वही सर पे लपेटना। एक बार ये जैकेट पड़ी है अभी बैग में रख लेता हूँ, जैकेट पैक कर लिया, बैग थोड़ा सा मोटा हेल्दी सा लग रहा है, अब चलते हैं पर्दे वगैरह। चलो छोड़ो, टाटा बाय। चाबी उठा ली, गाड़ी की चाबी मेरी गाड़ी मेरे बैग में है, गाड़ी की चाबी मेरे बैग में है। ओके चलो, तो रूम लॉक कर दिया है, चले गाड़ी चलेगी, बस हमारी खड़ी है, मेरे को इसमें से एक का सिक्का निकालना है चढ़ावे के लिए, किसी का एक से एक का चढ़ावा चढ़ाना है, दैट्स वाई। भाई ये वैन प्राइवेट नंबर है, ये होटल वालों की फैसिलिटी नहीं है। तो बाकी मैंने सर दर्द की गोली भी अपनी ले ली है, बैग में रख ली है वो रही, इनकेस अगर जरूरत पड़ी तो मेरा सर दर्द गोली के बिना रुकता नहीं है, तो अब हमें ऑटो वगैरह से ही जाना पड़ेगा। कौन सी बोतल चाहिए भाई जो नहीं मिल रही, के है इस बोतल में क्या है, ग्लूकोन डी है? नहीं, मेरी पास ना बोतल है भाई। तो मैंने नोटिस करा इस ब्लॉग में अभी तक मैं अपने आप को खुद को ढंग से शो नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपना एक सेकंड फोल्ड कर, ये पहन लिया है हमने अपना चश्मा सनलाइट से बचने के लिए, अभी धूप है क्योंकि, सो वी विल प्रोसीड नाउ। क्या रह गया तुम्हारा, क्या रह गया, हाँ भर लो सारी बोतलें भाई। ऑटो वाले तो 260 रुपये मांग रहे हैं हमें चढ़ाई जो गेट है वहाँ तक छोड़ने के लिए। भाई बैठ गया ऑटो में, देखो भाई ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिख रखा है शीशे के ऊपर। अभी भी कैसे आएंगे बता दे। इस टाइम पे बज रहे हैं 4:44 और होटल हम छोड़ दें हैं, देखते हैं चढ़ाई कितने बजे शुरू करेंगे और कितने देर में ऊपर पहुँचते हैं। भाई जो तीसरा रास्ता नया रास्ता बना है इस बार हम जाएंगे वहाँ से, देखते हैं क्या है, कैसा रास्ता है, क्या बनाया पता चलेगा जाके। चालू नो की ब्लॉगिंग भाई, न्यू ट्रैक ताराकोट के लिए यहाँ से जुड़ गया रास्ता। ओ भाई साहब फुल लोड ले रहा है ऑटो भाई, ये है ताराकोट मार्ग, और अभी हाल ही में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वापसी जितने भी यात्री आ रहे हैं श्रद्धालु सबको इसी रास्ते से वापस करा जा रहा है, बाणगंगा वाले रास्ते से वापसी नहीं दी भेजा जा रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है लेकिन जो है यही है। ऑटो की लाइन, वो यात्री बिठाने के लिए लाइन लग रही है भाई। और जी पहुंच गए हैं हम ताराकोट वाले रास्ते पे, और ये देखो ये नया रास्ता है, सिक्योरिटी पोस्ट सब कुछ यहाँ पे, हमारा ऑटो जय माता दी। पैसे दे देते हैं भैया के, पेमेंट पहले भैया 2,250 रुपये।
बता तो भैया 250 रुपीस फॉर ऑटो फ्रॉम होटल टू ताराकोट द्वार, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू है और ये हम वे टू भवन, यहाँ से ऊपर जाएंगे। क्या बनाया यार, तो मैं वैसे तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, पहली बार हम अर्धकुंवारी वाले रास्ते से नहीं गए थे, पहली बार हम दूसरी साइड से रास्ते से गए थे, सेकंड टाइम अर्धकुंवारी वाले रास्ते से गए थे और थर्ड टाइम यहाँ से हम जा रहे हैं ताराकोट वाला रास्ता। तो देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अच्छा मिस महबूबा मुफ्ती यात्रा RFID कार्ड काउंटर और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा ताराकोट मार्ग इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इन दी ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ श्री NV वोरार महबूबा मुफ्ती। तो हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिसमें कि हमारा नाम पूछते हैं और पिन कोड पूछते हैं जो कि दिल्ली देते थे। ये हमारे भाई यहाँ के सेवा दे रहे हैं और ये हमारा कार्ड है और काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ पे, मैं 2017-18 के बाद अब आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खाली हमारा कार्ड भी जल्दी बन गया, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बढ़िया है माहौल। दो ब्लॉगर्स आ रहे हैं हमारे, यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है यहाँ से बिल्कुल साफ सफाई। और आज जैसा कि आप जानते हैं, नहीं आप शायद नहीं जानते, मैं आपको बता दूँ, ये है ईयर 2023 का पहला नवरात्रा है, पहली नवरात्रि है और इस भीड़ के कारण, जो कि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इस वजह से भीड़ के कारण वो वाला रास्ता बंद करके यहाँ से ही सबको वापस भेजा जा रहा है, उस रास्ते से वापसी नहीं है, जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक इस रास्ते से खच्चर वगैरह नहीं जा सकते हैं, वही उसी खच्चर वगैरह उसी रास्ते से जाते हैं, नहीं है ना, इस रास्ते से खच्चर नहीं जा सकते ना, नहीं, इसलिए एकदम साफ सुथरा है, सो नीट एंड क्लीन। हाँ, ठंडी ठंडी हवा का झोंके पहाड़ों से होके रास्ते में, बीच बीच में आपको ऐसे स्टे पॉइंट मिलते रहेंगे, ऐसे बेंचेस तो लगे मिलेंगे ही और टॉयलेट की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी सब कुछ मिलेगी और ऐसे भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी देखो मिल रही है, बैठो लेटो। और देखो नवग्रह वाटिका ऊपर थोड़ा सा मेरा कोई गार्डन बना रखा है, नीचे से वो वाटिका थी वो देखो, वो नीचे से रास्ता आके जैसा कि मैं सोच रहा था वैसा ही है, यहाँ पर आके मर्ज होती हम यहाँ से बाहर निकल जाते, लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारे साथ है फिस्ट और सागर का जन ब्लॉग, ये हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं प्योर, इन्होंने कहा वापस आना पड़ेगा वो डाउट सारे बाद में क्लियर होते हैं तो हमको इन्होंने यहाँ से आने से मना कर दिया। एक्चुअली ये सीढ़ी वाला शॉर्टकट था, वाटिका फॉर्म में इन्होंने बना रखा है, जैसे उस रास्ते पे सीढ़ियों वाला शॉर्टकट होता है वैसे ही सीढ़ी वाला शॉर्टकट है, लेकिन ऐसे वाटिका फॉर्म में बना रखा है, मस्त है यार। देखो छोटा सा लेक है यहाँ पे, हमें टीटू भाई ने छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पे गैलरी बना रखी है, तो हम एक बार जाके आपको दिखाना जरूरी समझते हैं और अपनी एक पोर्टफोलियो में ऐसा मेमोरीज व्लॉग में ऐड करना चाहेंगे। ये देखो भाई, ओए होए व्यू, ओ ला ला वाह यार क्या नज़ारा आ रहा है, रेलवे ट्रैक है ये, क्या नज़र आ रहा है, वाह पूरा कटरा नज़र आ रहा है भाई यहाँ से। गाइज इस ट्रैक पे हमारा पड़ा ये पहला मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है, जो कि ऑब्वियसली प्योर वेज होगा, यहाँ पे नॉन वेज चल नहीं सकता, यहाँ तक कि देख लो ऑनियन और गार्लिक भी नहीं है, देख रहे हो। ये पड़ा मेरा बैग, तो मेरे को एक्चुअली जाना था वॉशरूम, तो ये वॉशरूम है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लेडीज़ के लिए ऊपर या जेंट्स को थोड़ा नीचे जाना पड़ा, थोड़ी मेहनत हमारे लिए है, लेडीज़ के लिए बिल्कुल नहीं, काफ़ी नीट एंड क्लीन था बाकी। तो भाई एक वाटिका और पड़ी है यहाँ पे, लंगर सेवा जो कि चल रही है यहाँ, काफ़ी बढ़िया बना रखा है टोटल जो एरिया है, पूरा प्लेस है फोटो वोटो कराने लायक भी। देखिए फाउंटेन भी लगा रखा है यहाँ पे, LED स्क्रीन भी लगा रखी है। कैफे कॉफी डे बेवरेजेस एक आउटलेट है और भाई साहब नज़ारा देखो, वाह सागर ब्रो इज टेकिंग आवर ऑर्डर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर प्रोडक्ट्स, जो भी हमने ऑर्डर करे कॉफी और बर्गर वगैरह। भाई बर्गर हमारा आ गया, कैसा है बर्गर, चटपटा नहीं है पिज्जा सर, ठीक है सर, सुबह वाले सैंडविच जैसा है, कॉफी नहीं आई अभी, कोल्ड कॉफी भी मंगाई है भाई, कॉफी भी हमारी आ गई है। सागर बोले ने शुरू कर दिया भजन,
तो भाई अर्धकुंवारी रह गया 2 किलोमीटर, नीचे से हम आ चुके हैं 5 किलोमीटर। नॉट सो इनफ, हम व्लॉग बनाते हैं, मस्ती करते हैं, आराम से चल रहे हैं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। गाइस फाइनली एक आउटलेट और आया है यहाँ पे बीकानेर वालों का, देख रहे हो बीकानेर वाले जम्मू वालों की नगरी में, ब्लॉगर्स व्लॉगर्स एवरीवेयर। तो भैया मोर्चा नंबर 1 हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से होता है रास्ता मर्ज अर्धकुंवारी भवन वाया हेमकोटी ताराकोट मार्ग, हम जो आ रहे हैं ये ताराकोट मार्ग यहाँ से आ रहे हैं और ये भवन जा रहा है। अर्धकुंवारी का भी बीच में रास्ता कट जाएगा जो कि और 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। हमें पब्लिक नहीं दिख रही थी, जब से वो मर्जिंग पॉइंट पर आए हैं पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है पूरी। तब जाने वाले कम आने वाले ज़्यादा दिख रहे थे, अब आने वाले कम जाने वाले ज़्यादा है। और ऊपर ऐसा सुनने में आया कि बहुत तगड़ी लाइन है, भैरव बाबा तक लाइन लगी पड़ी है। नज़ारा देखो भाई, हीरे जवाहरात पड़े हैं। जय माता दी। देखो भक्तो भाइयों, भवन के प्रथम दर्शन हमें हो चुके हैं। 1 किलोमीटर या 1 से भी कम कुछ रहता है यहाँ से बाकी भवन। बस देखो पास से दिखाता हूँ, यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ पर बैठे ना, चलते रहेगा ठीक है ओके। ये देखो भाई कैसे सो रहे हैं, ये भी सो रहे थे हमको देख के उठ गए आराम से, कैसे मस्त चैन की नींद ले रही है। तो देखो भाई और बेहतरीन पास से दर्शन। ओम एं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हियर इज द भवन इज द भजन चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सजावट देखो सबसे बढ़िया। सब लाइन ले लो, इतनी लंबी लाइन है अभी, बहुत पब्लिक है भाई, बड़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है। भाई साहब बड़ी जबरदस्त डेकोरेशन पूरी कर रखी है, माता की मूर्तियां। भाई जहाँ नजर जा रही है, क्या डेकोरेशन, क्या सजावट कर रखी है, एक नंबर। जहाँ नजर जा रही है वहीं रिकॉर्ड करो, आपको दिखाएं, बस ऐसे ही लग रहा है कि मतलब आओ यहाँ पे आके देखने वाले नज़ारे हैं। भाई तीसरी बारी में आ रहा हूँ वैष्णो देवी, और तीसरी बारी में नवरात्रों में आया हूँ, और यहाँ के जो नज़ारे हैं बस आप देख ही सकते हो। तो भाई दर्शन करके हम आ गए हैं वापस, अपनी टू भाई और सागर भाई गए दर्शन करने, ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा थक गया था, कमर दर्द हो रही है मेरी, तो अभी आराम मिल रहा है, अब बस वो आ जाए फिर। तो भाई दर्शन करके हम आ गए हैं सारे और बिल्कुल रेडी हैं यहाँ से चलने के लिए। ये गेट नंबर 5 है, यहाँ सागर भाई के कोई जानकार थे, उनके थ्रू VIP दर्शन यहाँ से हम निकल गए थे, वरना लाइन तो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो दर्शन कर करा के अब हमारा प्लान है वापस कटरा जाने का। भैरव बाबा पर नहीं जा पाएंगे, कुछ एक्चुअली जो बहनें साथ हैं हमारी वो नहीं जा सकती हैं ऊपर, तो वो भी मना कर रही हैं, तो उन्हें छोड़ के हम भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमें वापस ही जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया हुए, बहुत बढ़िया भाई साहब, इनके व्लॉग ही नहीं खत्म हो रहे, देखो देखो पता नहीं कहाँ गुजारे क्या। अरे 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 भाई, अरे 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 यार।
खूब तगड़ी लंबी लाइन लग रही है भाई, मेरा फोन गिरवा दिया यार अभी। देख रहे हो इतनी तगड़ी लंबी लाइन है दर्शन की। भाई बहने सागर रत्ना पे बैठी हैं, यहाँ खाना वाना खाएंगे भाई साहब। ये लाइन लगी हुई है इतनी, जो बंदे बता रहे हैं 4 बजे की लाइन में लगे हुए हैं, तब जाके यहाँ लाइन पहुंची है। भैरव बाबा तक लाइन लग रही है, इतनी लंबी लाइन हो रही है। वो तो शुक्र है, पता नहीं माता का आशीर्वाद है जो हमको इतनी जल्दी नंबर आ गया। चाचा जी की बदौलत जो सागर भाई ने बात करी। पहली बार आया था तब ऐसी मजाक में टीजिंग, मतलब दूसरी बार आया था तब ऐसी बात हुई थी कि सागर रत्ना पे खाएंगे खाना। आज सागर रत्ना पे आके बैठे हैं, देख रहे हो किस्मत में जब लिखा है तभी मिलता है खाना। कहाँ सागर भाई के साथ ही लिखा था ना किस्मत में सागर रत्ना, डिस्काउंट चलता भाई सागर कार्ड। सागर कार्ड बोले उर्रे बाबा, उर्रे बाबा, भीड़ मेला दशहरे का नहीं होता ना तगड़ा मेला। सागर रत्ना पे देखो, हमने राजमा चावल रोटी और कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दिया है और बस इंतजार कर रहे हैं आने का। इस टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं और भीड़ तो अंधाधुंध है अभी दिखाया। ओह माय गॉड, नीला करंट दिल पे, ये तो बाहर लटकाते हैं आजकल दरवाजों पे। तो भाई जैसी ठंड हो रही है उस प्रकार से हमने ये देखो सर पे बांध लिया, मैं भूल गया कैसे बांधते थे लेकिन फिलहाल अटकाई लिया है। हवा जोरदार चल रही थी क्योंकि राहत है इससे का। तो भैया कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी चॉकलेट वगैरह सब कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा ले रहे हैं टी ब्रेक, फिर उतरेंगे नीचे के लिए। हाँ जी हेलो, व्हाट हैपन इज द भाई, अपनी कोल्ड कॉफी का लुक तो उठाएंगे, देखो ग्लास में देखो फर्क, देखो आप यहाँ से अंदाजा लगाए तो ये टोटे में रह गया ये। कोई नहीं पूरा वो अर्धकारी वाला पॉइंट, अब हम वापस आ गए अपने इसी रास्ते पर और सिर्फ हम ही अपने 4-5 जने हैं इस पे और कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। मैं भी आ गया हूँ चप्पलों में, जूते ले लिए हाथों में क्योंकि भाई अंगूठा लग रहा था पैरों में, अब अच्छा लग रहा है। देखो भाई वो रकून जैसा सा क्या है, बिल्ली जैसा, बिल्ली नहीं है ये, देखो 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 रकून बोलते क्या बोलते हैं इसे है। तो भाई जाते वक्त तो नहीं लेकिन आते वक्त हमने शॉर्टकट ले लिया ये वाला और काफी लंबा गैप कवर करा है इस शॉर्टकट, बढ़िया। और मेरे पैर का दर्द जो है हमेशा होता है ट्रैकिंग में, चल नहीं दे रहा, तो अपन तो भागते भागते उतरे भाई जरा सी देर में ही गोली की तरह। ये देखो भाई नवग्रह वाटिका, ये रहा। इस टाइम पे बज रहे हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ, ये बज रहे हैं भाई 5:07 हो रही है, मेरी घड़ी ख़राब है मतलब क्रैक हो रही है, 07 5 बज रहे हैं और हम आ गए हैं नीचे। 4-4.5 घंटे में ऊपर जाने में लगे, 4 घंटे नीचे आने में लगे और फुल भीड़ हो रही है इस टाइम पे, लाइन लगी पड़ी है, लोग अब जाना शुरू कर रहे हैं। तो भाई हमारी तो यात्रा हो गई बढ़िया, भैरव बाबा पे नहीं जा पाए गए नहीं, बाकी तो सब ओके रहा। बाकी ये पंजा दर्द कर रहा है भाई, एंड भाग भाग के उतरना पड़ा मेरे को, तो एट दी एंड भाग भाग के उतरना पड़ा मेरे को तभी काम बना, वरना धीरे धीरे तो ये दर्द पता नहीं अभी भी दर्द कर रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब चल पा रहा हूँ दर्द कर रहा है। लेकिन अब चलेंगे होटल और होटल जाके सुनेंगे जय माता दी। देखो इस टाइम 5:30 यहाँ पर थे, 5 बजे शुरू करी, 5 बजे यहाँ पर आ गए, टोटल 12 घंटे में लगे। लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है भाई साहब, उस टाइम तो बिल्कुल खाली था, फुल लंबी लाइन लग रही है भाई भाई इतनी लंबी बहुत ही लंबी लाइन है। ऑटोस खड़े हैं रेडी, ऑटो पकड़ेंगे अब निकलेंगे। फाइनली तो भाई रहा है, फाइनली पहुंच गए रूम में और गमछा सूख गया हमारा, कच्चे अच्छे सुखा के गए थे सूख गए हैं। और भाई साहब क्या बताएं, जो दर्द हो रहा है ना अभी मेरे पैर में जो हमेशा ट्रैकिंग से होता है, बस अब कुछ नहीं है, इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड और देखते हैं कल शायद हम कहीं और जाए या क्या जो भी प्लान है वो पता चल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। बाकी फिलहाल तो हम करते हैं इस व्लॉग को एंड और सोने चलते हैं, व्लॉग काफी लंबा हो गया, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, क्या होगा कहाँ जाएंगे वो जानने के लिए देखते रहे मिस्टीरियस मोटो। जय हिंद जय भारत। और एक और चीज, मैंने कवर अपने लिए स्पेशल बनवाया था अपने चैनल का जो कि मैं लाना ही भूल गया पहली ट्रिप थी उसके बाद, एक तो
उतारो। ओहो, जैसा कि मैंने अभी कहा, जय हिंद जय भारत।